क्या आप अपनी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ की चैट्स को सेफ रखना चाहते हैं? क्या आप अपनी पर्सनल फोटोज को हैक होने से बचाना चाहते हैं? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक अननोन लिंक क्लिक करने से या फिर पबजी जैसी गेम भी कोई अननोन सोर्स से डाउनलोड करने से आपका फोन हैक हो सकता है, आपकी सारी डेटा, कॉन्टैक्ट लिस्ट, इमेजेस, आपके मैसेजेस, इनफैक्ट हैकर चाहे तो आपके फोन से मैसेजेस भी सेंड कर सकता है। आपका फोन सिर्फ एक गैजेट नहीं, इट्स एन एक्सेस टू योर माइंड। तो आज कैशिफाई पे हम एक ऐसा वीडियो लाए हैं जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे हाउ टू सिक्योर योर फोन वेदर इट्स एंड्रॉयड और आईफोन। अब आज के डेट में काफी लोग ये करते हैं कि वो अननोन सोर्सेज से एपीके डाउनलोड कर लेते हैं, एंड जो ये एपीके होती है इनमें भी कोई वायरस हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी ऐप डाउनलोड करें तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्योंकि वो गूगल प्ले प्रोटेक्ट के थ्रू वेरीफाइड होती है। एंड इसमें खाली एपीके आपके डिवाइस को हार्म नहीं कर सकती, जो अननोन वेबसाइट है एंड जो अननोन लिंक्स है वो भी आपके डिवाइस को अटैक कर सकते हैं। जरा सोच के देखिए, एक रॉन्ग क्लिक से आपका डिवाइस का पूरा एक्सेस हैकर को मिल सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए गाइस आई वुड सजेस्ट आप अपनी कॉमन सेंस यूज करें, कोई भी सस्पिशियस लिंक को क्लिक ना करें, स्पेशली जो कि व्हाट्सएप पे सर्कुलेटेड होता है, जैसे कि आपको कोई प्राइज मिला है या फिर मैसेज के थ्रू भी अगर कोई आपको ऐसा लिंक आता है तो उस पर बिल्कुल क्लिक ना करें। ऑल्सो गाइज मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे इंस्टॉल अननोन ऐप्स का ऑप्शन टर्न ऑफ कर लीजिए, जिससे कि आपके डिवाइस में कोई भी रैंडम ऐप्स अपने आप इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। एंड गाइज हमें पता है आप लोगों का मन करता होगा कि आप पबजी एंड बाकी गेम्स की एपीके डाउनलोड करके भी अपने डिवाइस पे खेले, तो अगर आपको कोई एपीके डाउनलोड करनी भी है तो मेक श्योर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो। अब अगर आपका डिवाइस इंक्रिप्टेड है तो वो आपकी डेटा को इस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा कि लेट से आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या फिजिकली किसी के पास आपके डिवाइस का एक्सेस आ जाता है तो वो आपकी डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। आज की डेट में जितने भी एंड्रॉयड डिवाइसेस आते हैं वो ऑलरेडी इंक्रिप्टेड होते हैं, बट आई वुड सजेस्ट आप एक बार सेटिंग्स में चेक कर लीजिए कि आपका डिवाइस इंक्रिप्टेड है या नहीं, एंड इन केस अगर नहीं है तो आप स्क्रीन पे मेंशन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं, अगर आपका फ़ोन इंक्रिप्टेड नहीं है और भले ही इस पर स्क्रीन लॉक लगा हो तो कोई भी आपके डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसकी डेटा को एक्सेस कर सकता है, पर अगर आपका फ़ोन इंक्रिप्टेड है तो भले वो आपको यूएसबी से कनेक्ट कर लो या किसी भी तरीके से कनेक्ट कर लो, उसकी डेटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता। और हाँ, एक बार आप अपने स्मार्टफोन को इंक्रिप्ट कर लेंगे तो जब भी पासवर्ड डाल के स्क्रीन खोलेंगे तो वो आपकी डेटा को पहले डिक्रिप्ट करेगा, तो इससे ये हो सकता है आपका फ़ोन थोड़ा सा स्लो हो जाए, बट इट्स रियली सेफ फॉर योर डिवाइस। इंक्रिप्ट करने के बाद देर इज़ नो ऑप्शन फॉर गोइंग बैक, तो इसके बाद एक ही तरीका बचता है एंड वो है फैक्ट्री रीसेट। तो इससे ये मतलब है आपकी डेटा 100% सेफ है। और गाइस इसके साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फाइंड माई डिवाइस को अनेबल कर लीजिए, जिससे ये होगा कि आपका फ़ोन अगर चोरी होता है एंड लेट्स से वो किसी इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड है या मोबाइल डेटा से कनेक्टेड है, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके जो एग्जैक्ट स्टेप्स हैं आईफोन एंड एंड्रॉयड के लिए, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को देख सकते हैं। अब एक फायरवॉल ऐप यूज करके आप लिमिट कर सकते हैं कि आप कौन सी ऐप को क्या नेटवर्क फंक्शनैलिटी देना चाहते हैं। लेट्स से आपके डिवाइस में एक कैलकुलेटर ऐप है एंड वो इंटरनेट यूज़ कर रही है। अब एक कैलकुलेटर ऐप को इंटरनेट की क्या जरूरत है? देयर इज डेफिनेटली समथिंग फिशी अबाउट इट, तो आप सिंपली उसको डिसेबल कर सकते हैं। अब अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आप नेटगार्ड करके ऐप को चेकआउट कर सकते हैं, एंड iOS पे लॉकडाउन करके एक ऐप आती है जो कि सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। तो गाइस आप कभी भी पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो गाइस हमेशा दिमाग में रखें कि आपका जो ट्रैफिक है वो मॉनिटर किया जा सकता है। आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आप कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, कौन से लिंक्स को एक्सेस कर रहे हैं, ये सब मॉनिटर किया जा सकता है। अब पब्लिक या फ्री ओपन वाईफाई काफ़ी टेम्पटिंग हो सकते हैं, बट गाइस हमेशा याद रखें दे आर ऑलवेज ईवल। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा यार, जब भी कोई भी पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो आप टोर को यूज़ करें। आप चाहे तो कोई भी अच्छी सी VPN सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं, पर जिनके रिव्यूज़ अच्छे होते हैं वो पेड होती है, इसलिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कि फ्री भी है वो है टोर को यूज़ करना। आज की डेट में सारी सर्विसेज ये ऑप्शन प्रोवाइड करती है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उस पर ये आप एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि लेट से किसी के पास आपका पासवर्ड आ भी जाता है वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा बिना किसी एक OTP के। अब अगर आप लोगों को लगता है कि WhatsApp एक सिक्योर टेक्स्टिंग ऐप है तो मैं क्या ही बोलूं, आप लोग एक मैट्रिक्स में जी रहे हैं। You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. क्योंकि आपको पता ही होगा WhatsApp is owned by Facebook and Facebook के बारे में हम सबको तो पता ही है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप ओपन सोर्स ऐप्स यूज करें, जैसे कि टेलीग्राम या फिर सिग्नल। अब इसमें क्या होता है जो कि WhatsApp में मिसिंग है कि आपको काफी सिक्योरिटी फीचर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मल्टीपल डिवाइसेस पे सेम टाइम में लॉग इन कर सकते हैं,
ये एक मल्टी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसके अंदर काफ़ी अच्छी इंक्रिप्शन भी है जो कि व्हाट्सएप में नहीं अवेलेबल है। तो अगर आपका फ़ोन चोरी भी हो जाता है तो आप अपने कंप्यूटर से अपने फ़ोन के टेलीग्राम अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं एंड आपके पास सारी चैट्स भी रह जाएगी आपके कंप्यूटर पे। टेलीग्राम में आपको एक सीक्रेट चैट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये तो सीक्रेट चैट्स होती है, ये क्लाउड स्टोरेज की जगह लोकल स्टोरेज में सेव्ड होती है। आप चाहें तो इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइमर भी रख सकते हैं। आज की डेट में काफ़ी सारी ऐप्स काफ़ी सारी फीचर्स एंड परमिशंस मांगती है, तो गाइस इसमें मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, बी वाइज एंड यूज एज लेस ऐप्स एज पॉसिबल। जो भी परमिशन आप लोगों को लगता है कि इस ऐप को नहीं रिक्वायर्ड है उसको डिसेबल कर दीजिए। ऑल्सो गाइस, जैसे कि हमने पहले मेंशन किया था, आप कोई भी ऐप की नेटवर्क फंक्शनैलिटी को लिमिट कर सकते हैं। इसके लिए आप एक फायरवॉल ऐप यूज कर सकते हैं। नाउ आई वुड स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि आप लोग PWAs यूज करें। PWA की फुल फॉर्म है प्रोग्रेसिव वेब ऐप। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप एक ब्राउजर में अगर YouTube, Google Maps, Instagram जैसी ऐप्स की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको सेम ऐप वाला एक्सपीरियंस मिलेगा एक ब्राउजर में। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी स्टोरेज स्पेस सेव होगी एंड आपको कोई भी परमिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके साथ ये HTTPS प्रोटोकॉल के साथ सिक्योर्ड भी होती है। अब एक सबसे बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस जो हम सारे लोग फॉलो करते हैं, इवन मैं भी, एंड वो है कि हर जगह सेम पासवर्ड यूज़ करना। भले ही गूगल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया या फिर आपका बैंक अकाउंट, हर जगह सेम पासवर्ड यूज़ करना सबसे गलत बात है। अब इनमें से कोई भी एक सर्विस हैक हो जाती है तो आपके बाकी सारे अकाउंट्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। एंड अगर आप लोगों को लगता है ऐसा नहीं पॉसिबल है कि इतने बड़े सर्विसेज के अकाउंट हैक हो जाएं, तो मैं आप लोगों को याद दिलवाता हूँ, 2011 में सोनी प्लेस्टेशन नेटवर्क हैक हो गया था। बहुत सारी पासवर्ड डिटेल्स एंड क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी लीक हो गई थी। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा स्टेप लीजिए एंड हर जगह डिफरेंट पासवर्ड यूज़ कीजिए। अब हम सब लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है, ना कि जब हम नया फ़ोन लेना चाहते हैं, लेकिन अपने पुराने फ़ोन को बेच के कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब भले ही अपने फ़ोन को सेल करते हुए अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट किया हो, उसकी डेटा अभी भी रिकवर हो सकती है डिफरेंट टूल्स यूज़ करके। इसलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा, आप अपना पुराना फ़ोन उस बंदे को भेजें जिसको आप ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं, या फिर अगर आपको कोई ऐसा बंदा ना मिले तो आप लोग हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। कैशिफाई पे आपका फ़ोन फॉर्मेट होने के बाद हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं टू मेक श्योर कोई भी आपकी डेटा का कोई पुराना ट्रेस ना हो। हैंस इससे बायर एंड सेलर दोनों कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसलिए आप नया फ़ोन कहीं से भी खरीदें पर पुराना भेजें सिर्फ कैशिफाई पर। तो ये थे थोड़े बहुत टिप्स कि आप अपने स्मार्टफोन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ऑल्दो हमारे फ़ोन हमेशा हैक या अटैक हो सकते हैं, बट हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हम उसकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर सकते हैं। So that's pretty much it. My name is Sahil, signing off, and I'll see you guys in the next video.